हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं चिकन के सीख कबाब विद ग्रेवी। रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं। ये देखना कितना क्रीमी और कितने टेस्टी बनते हैं हमारे सीख कबाब। आप रेस्टोरेंट के खाना भी भूल जाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ चिकन लिया है बोनलेस। हमने इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इन्हें अच्छे से धोकर कपड़े से ड्राई कर लिया है ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी जो है वो सब निकल जाए। ये हमने लिए हैं 750 ग्राम चिकन बोनलेस और अब हम इसको पीसेंगे। इसका बारीक, बिल्कुल बारीक कर लेंगे, मिक्सी के जार में पीसेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे पीसेंगे। चलिए अब हम इसे पीसना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम अपने सीख कबाब के लिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ली हैं 2 मीडियम साइज़ की अनियन, जिन्हें हमने रफली स्लाइस में कट कर लिया है। और ये मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली है और ये मैंने केशूज लिए हैं 12 से 15। और अब हम इन्हें पीस कर एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने अपने चिकन को अच्छे से पीस लिया है, ये देखिए। और अब हम इसमें, ये हमने 10 से 15 हरी मिर्च ली थी और 10 से 12 कली के करीब हमने लहसुन लिया था। इसका हमने पेस्ट बना लिया है। अब ये भी हम इसमें डाल देंगे। लहसुन हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, इससे इसका टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा आता है। और ये हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करके इसको हमने क्रश कर लिया है। इससे भी डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, एक अच्छा फ्लेवर देती है फ्राई प्याज। और अब हम इसमें 1 टीस्पून जो है मीट मसाला डाल रहे हैं, 1 टीस्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला डाल रहे हैं और ये हमने लिया है 2 टीस्पून के करीब बटर, क्योंकि हमारा जो चिकन होता है वो थोड़ा सा ड्राई होता है तो इसलिए हम इसमें बटर का यूज़ कर रहे हैं। बटर से जो है हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें ये थोड़ा सा हमने हरा धनिया चॉप किया था, ये डाल रहे हैं। ये हमने 1/2 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी ली थी और इसे अच्छे से हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इससे कसूरी मेथी से जो हमारे कबाब का टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाएगा। और ये हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है और ये इसमें हम डाल रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर तीखा पसंद है तो आप थोड़ी मिर्च का ज़्यादा यूज़ कर लें। और मैं इसमें हरी मिर्च का ही यूज़ कर रही हूँ, मैं इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने चिकन का जो हमारा पीसा था और इसमें सब मसाले मिक्स कर लिए बहुत अच्छे से। और अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ दे रहे हैं और इतने हम अपने चिकन के कबाब की ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हमने करीब 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल लिया है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं और इसे हम करीब 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और अब हमने ये जो हमने प्याज की हरी मिर्च और काजू का जो पेस्ट बनाया है, अब ये हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब साल्ट डाल रहे हैं। साल्ट हम अपने थोड़ा देख कर ही डालें, क्योंकि हमने चिकन में भी डाला है, चिकन के कीमे में। ये हम 1/4 टीस्पून जो है ब्लैक पेपर डाल रहे हैं पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम इसे करीब 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए, मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें करीब 3 से 4 टेबल स्पून दही ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से फिर हम मिक्स करके भून लेंगे। ये देखिए, अब हमारा ऑयल सेपरेट होने लगा है और अब हम इसमें करीब 2 स्पून के करीब फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप इसमें अमूल फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं।
और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हाफ कप मिल्क ऐड कर लेंगे ताकि हमारी ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा थिक ना हो। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हाफ टी स्पून के करीब कसूरी मेथी। हमने कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल लिया था और अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें दूध ऐड कर दिया था और ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आने लगा है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब बटर ऐड कर रहे हैं और इसे देखिए हमारे कबाब की ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है, ये देखिए कितनी क्रीमी लग रही है हमारी ग्रेवी। और चलिए अब हम अपने सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर कुल्फी स्टिक्स ली हैं। आप इस पर इजीली बना सकते हैं, अगर आपके पास स्कूवर स्टिक्स हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले हम अपने हाथ को पानी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, फिर ऐसे हम एक गोला सा बनाएंगे और फिर उसके बाद हम ऐसे स्टिक्स पर इसको हल्के से फैलाएंगे। ये देखिए हमें अपने कबाब को ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो हमारा कबाब अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से बन चुका है, देखिए। चलिए अब हम अपने कबाब को सेकना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ एक पैन लिया है। इसे मैंने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लिया है और देखिए अब हम इसको आराम से करके सेकेंगे। हम अपने कबाब को मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छे से सिक जाए और हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हम सेकेंगे। अब हम इसको अपनी जो ये स्टिक हैं इससे निकाल कर इसे अच्छे से सेक लेंगे और हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है हमारे कबाब से। ये देखिए हमने अपने पैन में और कबाब बना दिए थे और ये देखिए सब सिकने लगे हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं और ये अब हमारे कबाब अच्छे से सिक गए हैं। और जो हमारे कबाब सिक गए हैं अब हम उसे इस प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही करके अलट पलट करके हम अपने कबाब को सेक लेंगे ताकि हमारे कबाब अंदर से कच्चे ना रहें। ये देखिए हमने अपने कबाब पर ग्रेवी डाल दी है और हमने बटर से इसको डेकोरेट कर दिया है। ऊपर से थोड़ा सा हमने बटर स्प्रे डाला है ताकि हमारे जो कबाब का टेक्सचर है वो थोड़ा क्रीमी सा आए। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं, लग रहे हैं ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर करना और आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरे कबाब का टेस्ट कैसा लगा। आप इसे बनाकर ट्राई करें और खाकर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।